तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और सीधा शुरुआत एक मिनट में एक खबर की। गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर बना सस्पेंस कल शाम खत्म हो गया। भूपेंद्र पटेल गुजरात के अगले सीएम होंगे और आज दोपहर वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुजरात के नए मुख्यमंत्री के लिए भाजपा ने कल भूपेंद्र पटेल के नाम पर मुहर लगा दी। बैठक के बाद सीएम के तौर पर उनका नाम सबके लिए चौंकाने वाला रहा और इसकी वजह है भूपेंद्र पटेल का सादगी से काम करना। भूपेंद्र पटेल की पाटीदार समाज पर अच्छी पैठ है, इसी वजह से वो बिना सुर्खियों में आए वो सीएम पद की इस रेस में सबसे आगे निकल गए। इस ऐलान के बाद गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मीडिया के सामने आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम गुजरात के विकास कार्य को सभी के साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। मेरे पर जो विश्वास रखा है वो विश्वास को बिना टूटे हुए विकास के जो काम बाकी है वो आगे बढ़ाएंगे और साथ में संगठन को साथ में लेके आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने वाले भूपेंद्र पटेल का राजनीतिक करियर कैसा रहा है, अगले एक मिनट में पूरी इसकी डिटेल आपको देते हैं। गुजरात में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया है। बीजेपी आलाकमान ने एक बार फिर चौंकाते हुए भूपेंद्र पटेल को गुजरात का नया मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया है। भूपेंद्र पटेल अपने क्षेत्र में दादा के नाम से लोकप्रिय हैं। भूपेंद्र पटेल 2017 में पहली बार अहमदाबाद जिले की घाटलोडिया सीट से रिकॉर्ड मतों से जीतकर पहली बार विधायक बने। विधायक बनने से पहले भूपेंद्र पटेल 1999 से 2000 और 2004 से 2005 तक मेमन नगर नगर पालिका के चेयरमैन रहे। 2010 से 2015 तक अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे। 2015 से 2017 के दौरान अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन रहे और फिर 2017 में आनंदीबेन पटेल के विधानसभा चुनाव लड़ने से मना करने के बाद पहली बार भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया सीट से विधायक बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में कांग्रेस पर जमकर बरसे। सीएम योगी ने राम मंदिर धारा 370 के मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस हमेशा तोड़ने की बात करती है और भाजपा हमेशा जोड़ने की बात करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कुशीनगर जनपद के कप्तानगंज और तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र में 400 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसके बाद सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी कांग्रेस पर जमकर बरसे। सीएम योगी ने कहा कि 1947 से जाति, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर योजनाएं बनाई जाती थीं, लेकिन आज बिना भेदभाव के लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। साथ ही साथ सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस आतंकवाद की जननी है। तुष्टीकरण की राजनीति जब तक देश के अंदर थी तब विकास नहीं था, तब दंगे थे, तब भ्रष्टाचार था, तब अराजकता थी, तब आतंकवाद था, तब अत्याचार था, तब अन्याय था। लेकिन आज सबका साथ, सबका विकास और इसके साथ जुड़ता है सबका विश्वास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि पहले माफियाओं के पीछे चलती थी सत्ता, लेकिन माफिया पर अब चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परियोजनाओं के लोकार्पण के बाद इशारों ही इशारों में समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 के पहले राशन तक नहीं मिलता था, अब्बा जान कहे जाने वाले लोग उसे हजम कर जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। गरीबों का राशन निगलने वाले जेल जाएंगे और इसी संकल्प को हम आगे बढ़ा रहे हैं। राशन मिलना होगा ना आप लोगों को, राशन मिलना है, मिलना है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले माफिया सत्ता का संचालन करते थे और सत्ता इनकी शागिर्द बनकर इनके पीछे पीछे चलती थी, लेकिन अब इनकी अवैध कमाई पर सरकारी बुलडोजर चलता है।
कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा मिशन चुनाव की रणनीति बनाने में जुट गई हैं। रायबरेली के हनुमान मंदिर में दर्शन और पूजन किया, इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2022 की लड़ाई में कांग्रेस राजनीति का मंदिर मार्ग पकड़ेगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस फिर से सत्ता की दहलीज तक पहुंचने और राजनीति के आसमान पर कांग्रेस का सूरज फिर से चमकाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, और इसीलिए कल अपने रायबरेली के दौरे के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली के हनुमान मंदिर में पहुंची और उन्होंने हनुमान जी का दर्शन किया, जिसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस के स्थानीय नेताओं से चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा की। तो वहीं रायबरेली में प्रियंका गांधी वाड्रा के आने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह था, लेकिन बछरावा के हनुमान मंदिर के बाहर यही जोश झड़प में बदल गया। प्रियंका का स्वागत करने की होड़ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक शुरू हो गई और धीरे धीरे बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाके मामला शांत हुआ। वैसे यूपी में प्रियंका की राह आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता अब पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। इसके अलावा बागी नेताओं की चुनौती भी रहेगी। तालिबान ने अफगानिस्तान के यूनिवर्सिटियों में महिलाओं को शर्तों के साथ पढ़ने की इजाजत दी है। शर्त के मुताबिक महिलाओं के लिए अलग क्लास होगी और महिलाओं को इस्लामी पोशाक पहनना अनिवार्य होगा। अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटियों में पढ़ सकेंगी महिलाएं, लेकिन इसके लिए तालिबान ने कुछ शर्तें रखी हैं। अफगानिस्तान में नई तालिबान सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा है कि महिलाएं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों सहित विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर सकती हैं, लेकिन कक्षाएं लैंगिक आधार पर विभाजित होनी चाहिए और महिलाओं को इस्लामी पोशाक पहनना अनिवार्य होगा। इससे पहले 1990 के दशक के अंत में पहली बार सत्ता में आने वाला तालिबान उस वक्त लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया था और उन्हें सार्वजनिक जीवन से बाहर रखा गया था। 20 साल बाद सत्ता में वापसी करने वाला तालिबान खुद को बदलने की बात करता है, लेकिन तालिबान के ये सभी दावे किसी छलावे से कम नहीं लगते हैं। हाल के दिनों में तालिबान ने समान अधिकारों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा की थी। कतर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने अफगानिस्तान का दौरा किया और तालिबान के नेताओं से मुलाकात की। रविवार को कतर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने अफगानिस्तान का दौरा किया, जहां दोनों ने अफगानी नेताओं और तालिबान सरकार से मुलाकात की। साथ ही दोनों नेता अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया के प्रमुख अब्दुल्ला अब्दुल्ला से भी मिले। कतर के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री के साथ बैठक में तालिबान ने कतर और कतर के लोगों को शुक्रिया कहा और कहा, हम वादा करते हैं कि तालिबान ऐतिहासिक दोहा शांति समझौते का पालन करेगा। वहीं फ्रांस ने यह साफ कर दिया कि वो तालिबान की सरकार को न ही मान्यता देगा और न ही उसके साथ किसी भी तरह के संबंध रखेगा। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने एक बार फिर से प्रोपेगेंडा फैलाया है। पाकिस्तान ने कश्मीर को खुली जेल बताया और कहा कि कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। पाकिस्तान ने कश्मीर पर दुनिया के हर मंच से मुंह की खाने के बाद अब नया प्रोपेगेंडा शुरू किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कल 131 पन्नों के फर्जी डोजियर जारी कर भारत के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाए। शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया कि इस डोजियर से कश्मीर में भारत के अत्याचारों का पर्दाफाश होगा। साथ ही साथ कुरैशी ने तो यहां तक दावा किया कि भारत इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है, इस डोजियर में उसका एक खुलासा है, एक तजिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर में सक्रिय आतंकियों की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से भी की। इसके साथ ही कुरैशी ने दावा कर डाला कि इस डोजियर में भारत के युद्ध अपराधों का भी ब्यौरा दिया गया है।
अलकायदा का सरगना अयमान अल जवाहिरी एक बार फिर से दुनिया के सामने आया। अयमान अल जवाहिरी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो अमेरिका के खिलाफ जमकर जहर उगलता दिखाई दिया। ओसामा बिन लादेन के बाद आतंकवादी संगठन अलकायदा का सबसे खतरनाक आतंकवादी अल जवाहिरी क्या जिंदा है? क्या पिछले साल अल जवाहिरी की मौत की झूठी खबर फैलाई गई थी? ये चर्चा इस वक्त सारी दुनिया में जारी है क्योंकि अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले की बरसी पर अलकायदा ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें अल जवाहिरी अमेरिका के खिलाफ जहर उगलता दिखाई दे रहा है। इससे पहले माना जा रहा था कि अल जवाहिरी मारा जा चुका है, लेकिन जिस तरह उसने अपने वीडियो में इसी साल जनवरी में हुए एक आतंकी हमले का जिक्र किया और फिर अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी की बात कही, उसके बाद मोस्ट वांटेड आतंकी अल जवाहिरी के जिंदा होने की आशंका जाहिर की जा रही है। कथित पेगासस जासूसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई करेगा। साथ ही कोरोना मामले में डेथ सर्टिफिकेट और मुआवजा देने की याचिका पर भी सर्वोच्च अदालत में आज सुनवाई होगी। संसद के मॉनसून सत्र के ठीक पहले उजागर हुए पेगासस जासूसी कांड पर भारी बवाल मचा था, जिसकी स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इससे पहले कोर्ट ने 7 सितंबर को इस पर सुनवाई की थी। उस दिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सरकार का जवाब देने के लिए कुछ और वक्त मांगा था। वहीं कोरोना मामले में डेथ सर्टिफिकेट और मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना से जुड़ी मौत के मामले में डेथ सर्टिफिकेट जारी करने को लेकर गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि 3 सितंबर को ही सर्कुलर जारी किया गया है और कहा है कि मृतक के परिजनों को मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया जाए और मौत का कारण लिखा जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चांदनी चौक की कायाकल्प का उद्घाटन किया। सालों से दिल्ली की पहचान बने चांदनी चौक को नया रूप रंग मिल गया है। अब तंग गलियों की पहचान वाली चांदनी चौक बदल चुकी है। करीब 1300 मीटर लंबे चांदनी चौक रोड को नए तरीके से डेवलप किया गया है और सुरक्षा के मद्देनजर यहां 131 सीसीटीवी कैमरों को लगाया गया है, जिसका उद्घाटन कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। चांदनी चौक के इस सड़क मार्ग पर वाहनों की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया है। पिछले 3 साल के अंदर दिल्ली सरकार ने चांदनी चौक के रीडेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन का ये जो प्रोजेक्ट किया ये पूरा हुआ और आज इसका उद्घाटन हुआ है। चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण में सड़कों की खूबसूरती, पर्यटकों की सुविधाओं और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है। इससे राजधानी में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।